क्या आप भी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं? पैसों की तंगी के चलते आपकी जेब खाली रहती है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सावन का महीना चल रहा है और इस बार एक खास सहयोग बना है 5 सोमवारी का। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार हैं। खास बात ये है कि इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू हुआ और सोमवार पर ही खत्म होगा। ऐसे में अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो सावन की इस सोमवारी पर कुछ खास उपाय जरूर करें। इसी कड़ी में लोकलिटी ने देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है। 5 सोमवारी में से अब 4थी सोमवारी है। बता दें, सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। अगर इस दिन आप कुछ खास उपाय करें तो भगवान शिव आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं पहला उपाय जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। पहले उपाय में भगवान शिव की 4थी सोमवारी के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर शमी के पत्ते और शमी की जड़ अर्पित करें। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक समस्याएं जल्द ही दूर हो सकती हैं। कर्ज का बोझ भी दब रहा है तो इसके लिए आप छोटा सा काम करें तो आपके घर की आर्थिक तंगी समाप्त हो सकती है। पहला कार्य है कि शमी का पत्ता के साथ साथ शमी का थोड़ा सा जड़ आप शंकर भगवान को अर्पण करें सोमवार के दिन। दूसरा उपाय है, इस दिन मछली को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और सभी समस्याएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय है आटे की गोली बना लें, छोटा छोटा गोली, और बहता हुआ जल में जहाँ मछली हो एक एक गोली आप राम राम का नाम लेकर के उस गोली को पानी में फेंकते जाएं और सामने देखें कि मछली वह खा रहा है। तीसरा और अंतिम उपाय है, बेलपत्र पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान राम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस उपाय से भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आर्थिक संकट से भी आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। है कि शंकर भगवान की विशेष पूजा में राम नाम अंकित बिलपत्र जो है वह शंकर भगवान को अर्पण करें, निश्चित रूप से आपके घर की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। तो ये थे सावन की 4थी सोमवारी पर किए जाने वाले खास उपाय जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।